राम राम, जय मां भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस साक्षात्कार में पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे निवेदन करूंगा कि मेरे सक्सेस साक्षात्कार चैनल को आप अपना आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन देते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। महाराष्ट्र का अंतिम आकलन करते हैं। देखिए, देश का उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक लोकसभा वाला सीट, बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य, किसानों की ऊपर डिपेंड रहने वाला राज्य, ग्रोथ में देश में नंबर वन नंबर टू राज्य, प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य, देश के लिए लड़ने वाला, आजादी के लिए लड़ने वाला योद्धाओं की भूमि। महाराष्ट्र की जितनी बड़ाई किया जाए उतना कम है, क्या होगा? मेरा आप सबसे निवेदन है कि अभी दो दिन पहले महाराष्ट्र के समीकरण को आप जरूर सुनना और उसको समझने का प्रयास करना। मैं आपको बताता हूं कि किसकी सरकार बन रही है, जबकि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे और अजीत पवार जी की बहुत कम सीट आई, 17 सीट जीते तीनों मिलके, भाजपा 9 और शिंदे जी आपका 9, 8, 16 और 1 सीट अजीत पवार जी, और 30 सीट आपका जीती इंडी गठबंधन, 13 सीट कांग्रेस और शरद पवार जी 8 और 9 सीट आपका उद्धव ठाकरे जी, और 1 सीट जो आपकी जीती थी कांग्रेस के बागी, कांग्रेस में शामिल हो गए। लोकसभा जैसा रिजल्ट आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूं क्या स्थिति बन रही, कौन कितना सीट बन रहा है, लेकिन इसको सुनने के पहले या बाद में आप समीकरण को आप जरूर सुनना। मैं मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र एक साथ शुरू करता हूं, दोनों को आप मिला दो। डिटेल में मैं पिछले विशेषण बताया था, 116 सीट है मराठवाड़ा में, लोकसभा में 8 की 8 भारतीय जनता पार्टी हार गई, 0 सीट रही, और पश्चिमी महाराष्ट्र में मात्र 2 सीट जीती, 116 विधानसभा है। सीधा सीधा मैं आता हूं, मराठवाड़ा में ओबीसी वर्सेस मराठा की जोरदार लड़ाई चल रही है, आपको बता दूं मैं। मनोज जरांगे पार्टी जो मराठा को ओबीसी में शामिल करने के लिए जो आंदोलन कर रहा है, एक बहुत बड़ा की फैक्टर है। यहाँ पर अशोक चौहान जी के भाजपा में आने से बहुत मजबूती मिली, और यही वो क्षेत्र है जो गोपीनाथ मुंडेश्वरी जो ओबीसी के बड़े नेता हुआ करते थे, वो उनका ये क्षेत्र है। मैं आपको बता रहा हूँ, पश्चिमी महाराष्ट्र में 2 ठाकरों 2 पवारों के बीच में शानदार लड़ाई होने वाली है। पुणे बारामती का इलाका, यहाँ पर जोरदार शरद पवार और अजीत पवार के बीच में लड़ाई होने वाला है। लोकसभा जैसा रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन आपको मैं बता दूं, पश्चिमी महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में शरद पवार जी की ज्यादातर सीटें, लगभग 27-29 सीट शरद पवार जी जीते थे। आपका पश्चिमी महाराष्ट्र में जो कि 70 सीट है, आप मान के चले। अब दोनों को मैं जोड़ के बताता हूँ, मराठवाड़ा पश्चिमी महाराष्ट्र में लोकसभा में तो एक तरफा इंडी गठबंधन जीती, लेकिन 116 में मैं आपको बता रहा हूं बराबर का टक्कर है, 60 के आसपास आपका ±5 एनडीए जीतेगी, और वही 55-60 ±5 के आसपास इंडी गठबंधन जीतेगी मराठवाड़ा पश्चिमी मध्य प्रदेश। अब आ जाइए ठाणे, कोंकण और मुंबई। मुंबई ध्यान रखना, मुंबई के नीचे रत्नागिरी दुर्ग और सावंतवाड़ी, और ऊपर में नॉर्थ की ओर पालघर। पालघर बीजेपी जीती लोकसभा चुनाव, मुंबई भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गढ़ था, लेकिन शिंदे जी की जबरदस्त 2.5 साल में काम करने के बाद, दोनों को मिलाने के बाद 71 सीट होता है। आपको मैं बता दूं, कोंकण में कांग्रेस लगभग साफ है, खत्म है। कोंकण में कुल सीट 35 है कांग्रेस का, 1-2 सीट मुश्किल चल के उसका आधार ही नहीं है। यहाँ पे शिवसेना और बीजेपी का ही आधार है, शिवसेना 2 टुकड़ों में बढ़ गई और असली शिवसेना चुनाव के अनुसार शिंदे जी के पास है। टोटल 71 सीट में मैं आपको बता रहा हूं एनडीए 45